आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैजिकल से फेस मास्क के बारे में, जिसको यूज करने के बाद आपको लगेगा मुझे ये पहले से क्यों नहीं पता था। अगर आपकी एज 25 प्लस है या 35 प्लस है तो ये आपको जरूर जरूर यूज करना चाहिए। वैसे तो कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि ये एक एंटी एजिंग फेस मास्क है तो जो 30-35 प्लस हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है, और उनके नीचे भी अगर आप एक टीनेजर हैं तो इनफैक्ट आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल है, केमिकल फ्री है, और ये है हमारा जोब्स का आयुर्वेदिक फेस पैक। तो चलिए, ये फेस पैक बाकी फेस पैक से ऐसा इसके अंदर क्या है जो मैं इससे इतना इम्प्रेस्ड हूँ, और ऐसा क्या मुझे अच्छा लगा, क्या है इसके एडवांटेजेस और क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, जल्दी से हम बात कर लेते हैं। तो ये है ये फेस मास्क, सो फ्रेंड्स ये है जोव्स का आयुर्वेदा एंटी एजिंग फेस मास्क विथ सैंडल सैफ्रन एंड हनी फॉर नॉर्मल टू ड्राई एंड ड्राई स्किन। ओके, तो ये वाला तो नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये मेनली जो है ना वो ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, तो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको अवॉइड कीजिए लगाना, क्योंकि इसके अंदर हनी है और इसके अंदर सैंडलवुड है, तो जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एज इफ मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और मैं भी इसको यूज करती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक फेस मास्क है। और अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा इसके अंदर क्या है जो मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद अपने आप अपने पैसों से खरीदा था और ये किसी ने मुझे नहीं दिया है यहाँ पर रिव्यू करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, काफी बार मुझसे आप लोग पूछते हो कि हमारे फेस पर झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्या लगाया जाए जिससे कि वो झाइयों की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, और डार्क स्पॉट्स हैं पिंपल्स के क्या लगाया जाए। तो ये वाला जो फेस मास्क है आप ट्राई कर सकते हो, जिनको भी झाइयों की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो इस फेस मास्क को अप्लाई कर सकते हो। कई बार सनबर्न की वजह से भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, विद प्रॉपर डाइट आप लीजिए और साथ में आप ये वाला फेस मास्क ट्राई कीजिए, ये आपकी झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको भी पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करता है। माउथ एरिया के पास जितना भी डार्कनेस आपके फेस पर आती है कई बार, तो वो भी सन डैमेज की वजह से हो सकती है, तो उसमें भी ये कारगर है। मिल्क और बेसन तो हम सभी जानते हैं काफी इफेक्टिव है, बाकी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। झाइयों की प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा, और क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ₹215, और Amazon पे अगर आप इसको खरीदते हो तो आई थिंक 169 रुपीज का मैंने प्राइस देखा था, तो ये आपको और सस्ता मिल सकता है। इस पर 215 लिखा हुआ है, आपको और सस्ता भी मिल जाएगा, आप नायका से या Amazon से इसको खरीद सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये 120 ग्राम्स है, तो 120 ग्राम्स इतने प्राइस में काफी अच्छा प्राइस है। अब इसके अंदर ना जो एंटी एजिंग, क्योंकि फेस मास्क है तो जो फाइन लाइंस होती हैं आपके फेस पर, या अगर आपकी स्किन काफी ड्राई रहती है, खिंची खिंची रहती है, स्पेशली विंटर्स में, कुछ लोग होते हैं जिनको समर्स में भी स्किन में ड्राइनेस रहती है, तो उनके लिए परफेक्ट है। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात, ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इसके ऊपर लिखा है इसके अंदर है सैंडलवुड यानी चंदन, चंदन पाउडर हम सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसके अलावा इसमें है सैफ्रन, केसर, और उसके अलावा इसके अंदर है ग्लिसरिन, इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी, सनफ्लावर ऑयल और प्यूरिफाइड वाटर, देन आलमंड, बादाम भी इसके अंदर है, और इसी के तरह और भी बहुत सारी चीज, लेमन है इसके अंदर, लेमन एक्सट्रैक्ट है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जिनका नाम पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आयुर्वेदिक नाम है, बट आई एम 100% श्योर ये आपको पसंद आएगा। अब इसकी जो खुशबू है, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग खुशबू है, इसकी खुशबू ना चंदन जैसी है, आपको ना बिल्कुल चंदन की खुशबू जो होती है वैसी खुशबू है, और मुल्तानी मिट्टी भी है, आप देख सकते हो इसका कलर कुछ ऐसा है, कुछ ब्राउन कलर का ही आता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक पेस्ट की
तरह है और आप इसको लगा सकते हो अपने पूरे फेस पर. आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने पूरे फेस को वॉश करना है और इसको अप्लाई करना है. आफ्टर 20-25 मिनट्स अपने फेस को वॉश कर लीजिए और आप रिजल्ट देखोगे ना, यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड. मैं जानती हूँ कई बार डेली डेली फेस मास्क बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है. अगर आप वर्किंग है स्पेशली, तो आप ये वाला फेस वॉश फेस पैक एक बार ट्राई कीजिए. ये मेरी मम्मी यूज करती थी और वो बहुत उनकी स्किन ड्राई स्किन है और वो मेरी मम्मी जो मुझे बताया कि ये वाला काफी अच्छा फेस पैक है, आप इसका रिव्यू क्यों नहीं करते हो. तो मैंने एक बार इसको खुद यूज किया और मैं इतना ज्यादा खुश थी इसको यूज करने के बाद कि मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. इसके अंदर आपको हनी, असली में हनी फील होगा कि इसके अंदर हनी है. खुशबू भी आती है और इसकी कॉन्सिस्टेंसी में भी हनी है. सिर्फ लिखा नहीं हुआ है, है चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीजें आपको ना इसके अंदर दिख जाएंगी कि है. और आप यूज करोगे आपको उसकी खुशबू से पता चलेगा कि इसके अंदर ये सब चीजें है और आपकी स्किन काफी अच्छी बनेगी. ये आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कुछ हद तक इम्प्रूव करता है और साथ में बहुत ज्यादा ग्लोइंग आपका फेस बनता है. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हमें क्या लगाना चाहिए. तो आप एक बार ये वाला फेस मास्क ट्राई कीजिए. हफ्ते में एक से दो बार लगाना काफी है और आपकी स्किन में ना इतना ज्यादा ग्लो आप नोट करोगे विद प्रॉपर डाइट. आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, उसके साथ आप ये वाला फेस पैक ट्राई कर सकते हो. ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद ही मेरी मम्मी ने खरीदा था तो मैंने इसको यूज किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश थी इसके रिजल्ट्स के साथ. और काफी ज्यादा बार आप मुझसे ये भी पूछते हो कि कुछ भी सूट नहीं करता है फेस पर, बहुत सेंसिटिव है, क्या लगाएं. तो आप ये ट्राई कीजिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है. ओके, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. और क्योंकि इसके अंदर सब चीजें नेचुरल हैं, इसके अंदर लिखा भी है कि इससे आपको काफी आपके फेस पर ग्लो आएगा. इट रिमूव्स फाइन लाइंस बाय एक्सेलरेटिंग द सेल रिन्यूअल प्रोसेस एंड इट लीव्स योर स्किन रेडियंट एंड यूथफुल एंड हाइड्रेटेड. ये आपकी स्किन को सन डैमेज से भी बचाता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए. मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ. ये है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना. और इसका 3 साल तक ये एक्सपायरी डेट तक है. मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट के बीच में 3 साल का डिफरेंस है तो खराब नहीं होगा, आप लगा सकते हो. ठंड के टाइम पर इसको भारी रखिए और गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रख दीजिए. और फ्रिज में रखने के बाद जब आप इसको अप्लाई करते हो बाद में, तो ठंडा ठंडा फेस पर ना मुल्तानी मिट्टी एंड सैंडलवुड वो सब ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है समर सीजन में. तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. अपनी मम्मीज के साथ इसको जरूर जरूर शेयर कीजिएगा. ओके, आई होप उनको ये बहुत पसंद आएगा. जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए और कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो. और अगर किसी ने इसको यूज किया है तो प्लीज कॉमेंट कीजिए जिससे बाकियों की भी हेल्प हो सके. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.